तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर लाइव क्लास चालू कीजिए, तो लीजिए पेश है 11th एग्रीकल्चर का कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। अगर आप लोगों को लाइव क्लास की और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो हमारा चैनल का नेम था दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमारे चैनल का नाम पहले AKS बाबाजी टेक था, लेकिन दोस्तों अब उस चैनल का नाम चेंज करके रख दिया गया है उज्ज्वल संसार। जी हाँ दोस्तों, चैनल वही है हमारा, यही चैनल उज्ज्वल संसार है। AKS बाबाजी टेक जो नाम था उसे चेंज कर दिया गया है। दोस्तों, काफ़ी सब्सक्राइबर हमारे बोल रहे थे कि हमें ये नेम अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बढ़िया नाम लिखिए। तो लीजिए दोस्तों, हमने रखा है उज्ज्वल संसार। तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह चैनल नेम कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला हमारा हेडिंग है दोस्तों, वह है मृदा। अगर दोस्तों आप लोग एग्रीकल्चर से हैं तो दोस्तों आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि मृदा क्या है, मिट्टी क्या है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं मृदा की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, मृदा वह पदार्थ है जो हमारी फसलों को पोषित करता है और अवलंब अथवा सहारा देता है, मृदा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, या तो हमारा किताबी भाषा यानी जो बुक्स में दिया रहता है, या हमारा उस तरीके से हो गया। लेकिन दोस्तों, हम आपको आसान तरीके से बताते हैं। यानी दोस्तों, जो मृदा यानी मिट्टी वह पदार्थ है जो हमारी फसलों को पोषित करता है यानी पोषण प्रदान करता है और अवलंब अथवा सहारा देता है, मृदा कहलाता है। यानी दोस्तों, जो हमारे पौधों को खड़ा रहने में सहारा देता है, पोषण प्रदान करता है, मृदा कहलाता है। यानी दोस्तों, जो हमारे पौधों को ताकत और खड़ा रहने में सहारा देता है, मृदा कहलाता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे हेडिंग की तरफ। तो दोस्तों, हम आगे अपने दूसरे हेडिंग के तरफ। जी हाँ दोस्तों, जुताई हमारा दूसरा हेडिंग है, जुताई। अगर दोस्तों आप कृषि से हैं तो आपको जुताई के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम आप चलिए बताते हैं। मिट्टी को चीरकर काटकर इस प्रकार पलटना कि ऊपर की मिट्टी नीचे तथा नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाए, जुताई कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, मिट्टी को चीरकर काटकर इस प्रकार पलटना कि ऊपर की मिट्टी नीचे तथा नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए या जाए, ठीक है, जुताई कहलाता है। दोस्तों, हम साधारण वर्डों में बताते हैं कि मिट्टी को मतलब चीर कर, यानी मिट्टी को चीर दे, पलट दे, फाड़ दे, यानी भुरभुरा बना दे, वही दोस्तों हमारा जुताई कहलाता है। तो दोस्तों, जो तीसरा हेडिंग हमारा है सिंचाई। जी हाँ दोस्तों, पौधों को सिंचाई कैसे करते हैं, पौधों में सिंचाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उसका परिभाषा है, पौधों को कृत्रिम ढंग से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पौधों को कृत्रिम ढंग से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अगर साधारण वर्डों में कहा जाए तो पौधों को अच्छे तरीके से यानी बढ़िया तरीके से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अगर किसी पौधों को हम बढ़िया ढंग से पानी दे रहे हैं तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। दोस्तों, यह सब बेसिक नॉलेज, यह सब लगभग सभी को पता होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कहीं पर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपको कंफर्म नहीं रहता कि क्या हम जो उत्तर देंगे वह सही है या नहीं। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को स्किप ना कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी दोस्तों आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले परिभाषा की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा चौथा हेडिंग है वह है मृदा संरचना या मृदा विन्यास। जी हाँ दोस्तों, मृदा की संरचना और मृदा का विन्यास। तो दोस्तों, इसका जो परिभाषा है वह है, मृदा कणों की व्यवस्था को यानी मृदा के कणों की व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। यानी मृदा के कण की जो व्यवस्था होती है उसे मृदा की संरचना कहते हैं। दोस्तों, पांचवा हेडिंग है भूमि संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, भूमि का संरक्षण यानी भूमि की रक्षा कैसे करें, वह हमारा हेडिंग है। तो दोस्तों चलिए, इसकी जो परिभाषा है वह हम जानते हैं। तो दोस्तों, भूमि को किसी भी रूप में बर्बाद होने से रोकना भूमि संरक्षण कहलाता है। या दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, भूमि को किसी भी रूप में
बर्बाद होने से रोकना भूमि संरक्षण कहलाता है। यानी भूमि आजकल आप जगह जगह पर देखते होंगे, जो हमारा जहाँ कृषि का भूमि है वहाँ उससे गड्ढा करा के उसमें मछली पालन किया जा रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े मकान बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों उसी के ऊपर आया है भूमि संरक्षण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों यह जो हमारा छठवां पॉइंट है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे यह ज़रूर पूछ लिया जाएगा कि आप एग्रीकल्चर से हैं, तो आप बता दीजिए हल्की परिभाषा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, तो इसलिए दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं हल्की परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में। तो दोस्तों हल्की जो परिभाषा है वह यंत्र जो मिट्टी को काट कर चीर कर ऊपर पलट कर भुरभुरा बना देता है हल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हमने आपको जुताई का परिभाषा बताया था। जी हाँ दोस्तों, जुताई की परिभाषा इससे मिलती जुलती, अगर आप दोस्तों हल में जुताई की परिभाषा को भी आप जोड़ दे रहे हैं तो दोस्तों आपका वह गलत नहीं होगा। तो दोस्तों फिर से आप एक बार देख लीजिए, वह यंत्र जो मिट्टी को काट कर चीर कर ऊपर पलट कर भुरभुरा बनाता है हल कहलाता है। तो अगर साधारण वर्डों में कहा जाए तो एक ऐसा यंत्र जो मिट्टी को काट देता है, चीर देता है और ऊपर पलट कर उसे भुरभुरा यानी एकदम भुरभुरा बना देता है हल कहलाता है। तो दोस्तों जो हमारा सातवां और आखिरी परिभाषा है वह भूक्षरण या मृदा अपरदन। जी हाँ दोस्तों, भूक्षरण या मृदा अपरदन यानी भूक्षरण यानी पृथ्वी का क्षरण और मृदा का अपरदन। तो इसकी परिभाषा क्या है, आइए वीडियो में आगे जानते हैं। भूमि के कणों को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना भूमि क्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, भूमि के कणों को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना भूमि क्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। साधारण वर्डों में कहा जाए तो भूमि के जो कण होते हैं उन्हें काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो भूमि की नुकसान होता है यानी भूमि का जो नुकसान होता है उसे भूमि क्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का यह जो वीडियो आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। तो दोस्तों अब हमारा लाइव क्लास चालू हो चुका है, अब आप निश्चिंत रहिए। और अगर आप लोगों को और भी लाइव क्लास की सभी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आपको कृषि में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमारे चैनल के जो वीडियो हैं आप उनमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपके जो कमेंट के सल्यूशन होंगे उन्हें दोस्तों लाइव क्लास में बताया जाएगा। तो दोस्तों अब लाइव क्लास आपको दो दिन में, तीन दिन में एक नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो हमारा लाइव क्लास का फर्स्ट वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि दोस्तों लाइव क्लास चालू करने से पहले आपको बेसिक जानकारी देना, क्योंकि दोस्तों बेसिक जानकारी के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा होता है। तो दोस्तों आज का यही था हमारा वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले लाइव क्लास में।